ब्यूटीफुल पीपल क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग जब मेरे को पता चला ना कि करण और कृष्णा का गाना आ रहा, तो मैंने भाई भाई मैं नाचा, अपुन नाचा उस रात, अपुन 2 बजे तक पिया, वो वाला सीन था। तो भाई जब पोस्टर निकल रहे थे या जब जब फोटो शूट हो रहा था, कृष्णा की तस्वीरें निकली, तो कृष्णा की तस्वीर के अंदर ऐसे पड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये वो गोलमाल के अंदर वो दादाजी नहीं थे, ये वो लग रहा है मेरे को, ब्लैक ब्लैक खेलेगा हमारे साथ, ऊपर से मुस्कुराता नहीं है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई में कृष्णा के दांत पीने। क्या मतलब कैंसल हूँ मैं भाई, नहीं करो यार ऐसे, मैं मूफार का फैन नहीं हूँ यार, नहीं करो यार ऐसे, नहीं करो मुर्शिद कृष्णा ब्रो। तो भाई जब मेरे को पता चला करण और कृष्णा आ रहे हैं, तो भाई कमाल सीन। भाई देखो ये करण सिद्धू मूसेवाला जसमाने के पंजाबी सिंगर्स जो है, इनका एक अलग वाइब है, मतलब मैं ये हिप हॉप आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बोला जाता है इन लोगों को, और ठग लाइव म्यूजिक है, बहुत सेक्सी म्यूजिक बनाते हैं और इनकी रीच बहुत अच्छी। के आर डॉलर साइन नो डाउट इंडिया का बेस्ट रैपर्स में, अगर वो तुम्हारे टॉप 5 या 6 रैपर्स में नहीं आता ना, तो इसका मतलब तुम रैप नहीं समझते, क्योंकि मैंने जितना भी, मैं देखो मैं गरीब हूँ लेकिन मैंने जितना भी बार का रैप सुना ना ब्रो, मुझे नजर आती है कृष्णा की परछाई, कृष्णा में उनकी परछाई नजर आती है कि यार वो बाहर का रैप को लेकर बार्स जिसे कहते हैं ना वो फेंकता है। और ऊपर से कृष्णा के गाने देखो यार, हाई बेसिस की भी है कि कृष्णा के गाने आते बहुत कम है, लेबल से साइन है तो ऑब्वियसली वो कई महीने कभी 2 महीने बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि साइन है दूसरे आर्टिस्ट को भी मौका देना होता है, तो भाई ये सीन होता ही होता है, ठीक है ना। तो भाई अपन दीवाना है इस बंदे का, सीधी बात है, मुर्शिद है भी नहीं मैं बोलता, तो रीच अच्छी मिलेगी। हिप हॉप इंडिया के अंदर या देसी हिप हॉप के अंदर अभी भी नहीं फैला, अफसोस की बात है, मतलब इंडिया में नहीं इतना रैप सुना जाता, पाकिस्तान में भी इतना रैप नहीं सुना जाता। मैं इंडिया पाकिस्तान की सिर्फ इसलिए इनको खाली देसी हिप हॉप बोल रहा हूँ, हालांकि देसी हिप हॉप लेकिन हम ये जुबान समझते हैं तो हम, हमारे लिए है भाई, जितने इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हमारे लिए कितना अहम है, और रैप के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये लोग रीच बहुत अच्छी देंगे। दूसरा भाई, जब ये गाना लीक हुआ और मैंने सुना, यार यकीन करो मैंने 30 से 40 दफा लूप पे सुना है, वूफर्स पर लगा भाई, 30 मेरे का 30 या 1 मिनट के करीब वो गाना है जो लीक हुआ। मुझे नहीं पता ये जान के लीक करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये जान के करते हैं हाइप के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है लीक होने के बावजूद हाइप तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर जो म्यूजिक होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, जब गाने में या ट्रेलर में आता है वो बिल्कुल वाइब ही चेंज होती है। लेकिन इस बार टीजर मैंने देख लिया तो मेरे को यकीन है कि हाँ भाई वो है भाई, ये जिस अगर ये मतलब जो म्यूजिक है ना, मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि टिकटॉक लोग यूज़ करते हैं सॉरी, तो लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे टिकटॉक पे, कि इतना सेक्सी और जिसे कहते हैं ना ठग लाए वाला गाना ना, जिसकी को हाथ नहीं, मैं तो परेशान हो रहा हूँ कृष्णा ने कितने बार्स रखे होंगे ब्रो, मतलब वो वर्स किस तरह भाई क्या करेगा हमें नहीं समझ आ रही, मैंने उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि पता वो भाई पंजाबी चाह जाए एकदम ही, ठीक है ना। वो तो करण है ब्रो, करण की एल्बम आई सी वो जेरी आई सी, काफ़ी लोगों ने उन्हें मैं देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पाया उन्होंने, और क्योंकि वो कॉम्पीटिशन तुम्हें पता है उन्होंने चलता रहता है, एक अजीब जहा एक वीकनिंग चीज़ है कि कॉम्पीटिशन नहीं कोई होना चाहिए, लेकिन स्टिल एक हेल्थी कॉम्पिटिशन था। तो एल्बम क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा पंजाब में, चाहे लड़दा कहना चढ़दा पंजाब या लहदा पंजाब है उत्थे हिट हुई, क्योंकि पंजाबी लोग दे जरा उत्थे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होंदा वो यूज़ होया, उन्हें अपनी एल्बम जो असल च ऐ विखाना चाहता वो चाहता सी कि भाई ए जरा म्यूजिक हैगा साडे कल्चर का वो यूज़ होए, वो ठग लाए वाले बना सकता सी बड़े टचकारे हो रहे और एज फुल, लेकिन उन्हें नहीं किया क्योंकि वो वर्सटाइल आर्टिस्ट है, तुम लोगों को पता है एक तो मैं पंजाबी उर्दू मिक्स कर रहा है इसलिए मैं मम्बल फम्बल हो रहा। सो वो उसने ये कोशिश की, तो वो वर्सेटाइल है, अब उसने फेंका ये ठग पूरा गाना होगा और कि इतना लूप मटेरियल होगा ना भाई जिसकी को हद नहीं, मतलब एक गाना आया था वो बोहेमिया का और डीप का आमी पागल हो जाओ कुछ इस तरह था, ऊपर से लड़की उसका नाम क्या प्रूव है या मुझे नाम उस लड़की का याद नहीं आ रहा जिसने बोला यू नो व्हाट आई मीन, भाई टिट्टो मेरे को लग रहा है कि वो उस तरह होगा वो गाना, आज भी मैं सुनता हूँ ना बोहेमिया और डीप का तो भाई मेरे को ऐसे लगता है डीप है कि जीप मेरे को नाम उनका भूल गया, तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी फ्रेश गाना है, इतना पुराना होने के बावजूद वो फ्रेश है। उसी तरह ये गाना मुझे जहाँ तक लगता है टीजर से और जिस तरह मैंने उस लीक में सुना है, लीक गाने के अंदर भाई वो लगेगा फ्रेश जितनी दफ़ा सुनोगे। सो मेरे लिए तो भाई पर्सनली तौर पर कृष्णा का सुनने वाला लिसनर है वो उसके लिए बहुत बड़ी एक तरह से खुशी की चीज़ है कि यार रैप को एक इतना बड़ा आर्टिस्ट अपने गाने के अंदर लेकर आ रहा है और वो गाना जो लीक हुआ हुआ मैंने सुना है वो इतना कमाल है कि जिसकी गुहा नहीं। लेबल पे हम पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद हम व्यू स्टोरी करेंगे, अब देखते हैं व्यू स्टोरी होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये गाना अगर चल पड़ा नसीब अपने अपने भाई, गाना मैंने कई देखे हैं जो गाने बहुत ज़्यादा कमाल होते हैं लेकिन उन्होंने हाइप नहीं हो मिलती, लेकिन यह गाना चल गया तो 50 इजीली मिलियन मारेगा जो मर्जी हो जाते, जे टिकटॉक दे हाथ चढ़ गया उन्होंने तो कसम खा लेनी 100 इजीली मारेंगे, लेकिन ये ख्वाहिशें हैं और एक एक हिप हॉप फैन बेस की ख्वाहिशें और उम्मीदें और करण को सुनने वालों की उम्मीदें, बाकी हम देखेंगे कि कल क्या होता है। तो हाँ मिलता हूँ किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी यस कमांडो।